ये बात तो दोस्तों आप मानते ही होंगे कि जब भी घर पे छोले बनाओ तो एकदम वो बाजार वाला टेस्ट नहीं आता। वैसे छोले एकदम मलाई वाले गलते नहीं है कई बार छोलों में वो टेक्सचर नहीं आता, मसाला सही से चिपका ही नहीं होता। तो दोस्तों आज आपको छोले बनाने की ऐसी रेसिपी दिखाता हूँ जो आपने देखी तो कभी नहीं होगी। इस रेसिपी में दोस्तों मैंने छोलों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई है जिन्हें देख कर आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। आप बहुत ही टेस्टी छोले बना सकते हो, वो भी बिना प्याज टमाटर लहसुन दही। कोई चीज नहीं चाहिए दोस्तों, आपको सिर्फ टेक्निक चाहिए और रिजल्ट एकदम अमेजिंग आता है। अभी दोस्तों रात का टाइम है और रात को सोने से पहले जो आपने सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपने छोले भिगाने हैं। मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक इंडिया के काबुली चनों का इस्तेमाल किया है और चार लोगों के परिवार के हिसाब से मैंने यहाँ पर 250 ग्राम या एक कप पूरा भर के छोले लिए हैं। आप इनको 2 से 3 बार अच्छे से धोना और फिर इनको रात भर के लिए भीगने देना। अगर दोस्तों आपको एकदम मलाई वाले छोले चाहिए है ना, तो आप छोलों को 6 से 8 घंटे जरूर भिगाना। दोस्तों सुबह होते ही सबसे पहला काम जो आपने करना है, देख सकते हो कि रात भर छोले अच्छे से भीग चुके हैं, फूल चुके हैं। हाँ, लेकिन उबालते वक्त दोस्तों ये जो छोले का पानी है ना, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। इसमें छोले आपने बिल्कुल नहीं उबालने, तो ये पानी को आप डिस्कार्ड कर देना। सीधा ही प्रेशर कुकर में चलते हैं। मैंने यहाँ पर गैस को एकदम लो फ्लेम पर रखा है। वैसे ही दोस्तों रेसिपी बहुत आसान है, कुछ ज्यादा काम है ही नहीं इसमें। तो आप यहाँ पर आराम से छोलों को गलने के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रखना। छोलों में वो बढ़िया खुशबू लाने के लिए आप यहाँ पर एक बड़ी इलायची डालना, एक तेज पत्ता डालना और मैंने यहाँ पर लगभग 5 से 6 सूखा आंवला डाला है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच तक मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा डाला है। दोस्तों यहाँ पर बेकिंग पाउडर या इनो इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा का इस्तेमाल करना है। जब भी दोस्तों आप सोडा के साथ छोले उबाल रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान जरूर देना है कि पानी का जो लेवल है वो छोलों के जस्ट ऊपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो 5 से 6 सीटी में आपके सारे छोलों का भरता बन जाएगा और एकदम मैश हो जाएंगे वो। और बस ढक्कन लगाकर आपको 5 से 6 सीटी लगानी है एकदम मीडियम लो फ्लेम पर। एक मिनट, मुझे पता है कि आप ये सोच रहे हो कि भरत भाई इस बार आपने चाय का इस्तेमाल नहीं किया छोलों को गलाने के लिए, तो छोले गलेंगे कैसे और वो कलर कैसे आएगा बाजार वाला? मैंने आपको बताया था कि गर्म चाय में अगर सोडा डालो तो वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, तो बिल्कुल वैसे ही अगर आंवला को उबाला जाए तो वो पानी को एसिडिक बना देता है, और उसमें अगर एक बेस डालो यानी कि बेकिंग सोडा डालो तो अपने आप ही एक रिएक्शन होता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और छोले आपके एकदम नरम बनकर आते हैं। तो चाय की बजाय आप दोस्तों सूखा आंवला डाल सकते हो, आपके छोले एकदम नरम बनेंगे और कलर फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही आएगा। अब आप छोले चढ़ा देना मीडियम लो फ्लेम पर, 5 से 6 सीटी आपने लगानी है। जब तक छोले पक रहे हैं तब तक मैं अपनी ग्रीन टी तैयार कर लेता हूँ, ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी ग्रीन टी, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपके मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। ग्रीन टी के साथ साथ एक स्पेशल छोले का मसाला भी बना लेते हैं। तो 250 ग्राम छोलों के लिए आपको कम से कम 40 ग्राम तक मसाला चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच खुल के कसूरी मेथी डालना, 3 टेबलस्पून आपको यहाँ पर छोले मसाला चाहिए होगा। और छोले मसाला दोस्तों आप कोई भी अपनी पसंद का यूज कर सकते हो, जो ब्रांड आपको पसंद हो आप उसका इस्तेमाल करना। आपने एक चीज नोटिस करी होगी दोस्तों, छोले उबालते वक्त मैंने नमक तो डाला ही नहीं था। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार के आप कोई भी छोले मसाला के पैकेट देखोगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा नमक जरूर होता है, चाहे वो काला नमक हो चाहे वो नॉर्मल नमक हो। तो जो भी आप छोले मसाला का पैकेट यूज कर रहे हो एक बार उसको टेस्ट करके जरूर देखना, जिससे आपको समझ में आएगा कि कितना नमक डालना है। तो यहाँ पर नमक को बैलेंस आउट करने के लिए ही मैंने पहले नमक नहीं डाला था। आप घबराना मत, हमने जो तरीका यूज किया है छोले बनाने का उसमें छोले नमक पूरी तरीके से पी जाते हैं, इनफैक्ट मसाले का फ्लेवर भी पी जाते हैं। अभी आप आगे देखना। मसाला तो आप कोई भी यूज कर सकते हो लेकिन ये चीज जरूर डालना, मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून अनारदाना डाला है दोस्तों। अगर आपको अनारदाना नहीं मिलता तो आप इसको आमचूर से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन अगर अनारदाना मिल जाए तो इसका स्वाद ही अलग आता है। इसके साथ साथ अब मैंने डाला है नमक, 250 ग्राम छोलों के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाली है। बस ये सारी चीजों को आप मिलाना और ये है आपका स्पेशल छोले का मसाला। बस इतनी देर में आपके जो प्रेशर कुकर है उसमें सीटियां भी आ जाएंगी और जो कुकर है वो पूरी तरीके से ठंडा भी हो जाएगा। तो अब मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाता हूँ कि छोले कितने सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि हमने पानी गर्म डाला था तो सारे छोले एकदम खड़े खड़े रहेंगे,
उनका भरता नहीं बनेगा। ये देखो आप दोस्तों, हाथ में आप हल्का सा दबाओगे ना, एकदम सॉफ्ट है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निक वाली बात, आपने करना क्या है। अब आपको खड़े मसालों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम कर चुके हैं। अब आप एक स्ट्रेनर लेना और उसमें सारे छोलों का जो पानी है इनको अलग कर देना। अभी चने थोड़े गरम गरम है तो यहाँ पर थोड़ा सा हाथ संभाल के काम करना है आपने। आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालना और उसको ऐसे टॉस करके मिला देना। गलती से भी दोस्तों यहाँ पर करछी का इस्तेमाल मत कर देना। अभी छोले इतने नरम है कि अगर आप करछी चलाओगे तो इसका पूरा भरता बन जाएगा और पूरा पेस्ट बन जाएगा। तो अगर हाथ नहीं लगाने हैं तो आप ऐसे टॉस्ट करके मसाला लगा सकते हो। अगर ऐसे टॉस करना आपको मुश्किल लगता है तो बस आप दो बर्तन लेना, एक में छोले डालना और मसाला मिलाना और उसको ऐसे दूसरे बोल में पलट देना। ऐसे उलट पलट करके आपका सारा मसाला जो है वो छोले के एक एक दाने पर चिपक जाएगा, और तो और आपके चनों का भरता भी नहीं बनेगा। और रही बात वो चनों के पानी का, अभी आप ध्यान से ना इसका टेक्सचर देखो, अभी थोड़ा सा लिक्विड ही है ना, आगे जाके ये ऐसा बदलता है कि यही छोले में एकदम चार चांद लगा देता है। लेकिन अभी सबसे पहले इन चनों के ऊपर हमें तेल या घी कुछ डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं डालेंगे तो ये चने एकदम सूख जाएंगे। मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक इंडिया के देसी घी का इस्तेमाल किया है। बस आपने तड़के पैन में लगभग 3 टेबलस्पून तक घी को अच्छे से गर्म करना है और एकदम गरम गरम घी को आपने चनों के ऊपर डालना है और इसको आप अच्छे से मिला देना। चनों का जो मसाला है वो एक एक दाने पर अच्छे से लिपट जाएगा और आपके चने बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। चाहे हम बाद में भी एक तड़का मारेंगे, लेकिन इस टाइम पर तेल या घी लगाने से ही जो मसाला है वो चनों पे अच्छे से लिपटता है। इनको आप लपेटू छोले भी कह सकते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ चने के पानी का क्या हुआ। लगभग 15 से 20 मिनट ही हुए हैं और आप देखो चने के पानी का टेक्सचर कैसा हो गया है। दोस्तों ये चने से निकला हुआ पानी है तो इसलिए ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो गया है उसके स्टार्ट से और एक जेल जैसा सा बनने लग गया है। और यही है दोस्तों असली चीज। अगर आप इसमें नॉर्मल पानी डाल दोगे चनों में उनको गर्म करते वक्त, तो जो मसाला अच्छे से चिपका है ना चने के ऊपर, वो बहने लग जाएगा, वो एकदम पतला हो जाएगा और वो स्वाद ही नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि ये चने का पानी एक जेल जैसा सा बन जाता है, इसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है जिससे कि चनों के ऊपर मसाला एकदम लिपटा हुआ रहता है ना दोस्तों, कितनी अमेजिंग बात। अब बिल्कुल बाजार की तरह चने सेट करते हैं, वो ऐसे एक तरफ पहाड़ सा बना देते हैं और फिर उसमें चने का पानी मिलाते हैं। सारा पानी मत डाल देना, लगभग 3/4 क्वांटिटी डालना और गैस को एकदम लो फ्लेम पर छोड़ते हैं। ऐसे ही करते हैं ना वो लोग भी, बाजार में ऐसे ही होता है ना, एकदम लो फ्लेम पर धीमी धीमी आंच पे चने हल्के से उबलते रहते हैं और फिर हल्के हाथ से वो मिला देते हैं और ये तड़का जरूर लगाते हैं। तड़के में मैंने क्या डाला है, मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है लगभग 3 से 4 टेबलस्पून। गरम गरम घी में आप यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालना, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और रंग भी निखरेगा। और गरम गरम घी में फिर आप अदरक के लच्छे और हरी मिर्चे डाल देना लगभग 3 से 4, और सीधा ही दोस्तों ये चनों के ऊपर ऐसे ड्रिजल कर देना और फिर आप देखना दोस्तों, बाजार से बिल्कुल भी कम नहीं होंगे ये चने। मैंने आज आपको जो टेक्निक बताई है, आप ये एक एक स्टेप फॉलो करना और मैं गारंटी से दे सकता हूँ कि ऐसे चने आपने घर में कभी नहीं खाए होंगे। दोस्तों ऐसे बाजार जैसे छोले बनाने के लिए मैंने ये छोले कम से कम 10 से 12 बार बनाकर देखे हैं, अलग अलग मसालों से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग टेक्निक से, और तब जाके ऐसा रिजल्ट आया है। आई होप आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप इंस्टेंट भटूरे बनाना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो देखना, आपके बहुत काम आएगी।